ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुरहानपुर में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कार्यालय का शुभारंभ किया। डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 के तहत इस कार्यालय की शुरुआत की गई, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष को अपना केस लड़ने के लिए अधिवक्ता दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें न्याय मिल सकेगा और साथ ही लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एक महत्वाकांक्षी योजना है लीगल एड डिफेंस काउंसिल मॉडिफाइड स्कीम। इसके अंतर्गत जो समाज के शोषित और वंचित तबके जो अपना न्यायालय में डिफेंड कर पाने में अपने आप को असफल असहज और वंचित महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम लागू की गई है। और द्वितीय फेज में बुरहानपुर जिले का इसलिए चयन किया गया था, 3 पद सेंक्शन थे, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, इन तीनों स्वीकृत पदों के लिए चयन करके आज कार्यालय का माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा शुभारंभ किया गया है और ये योजना यहाँ कार्यशील हो गई है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जो समाज का वंचित और शोषित तबका है, जिसकी या तो न्याय उसकी पहुँच से दूर है या वो न्यायालय में नहीं आ पा रहा है, उसको हम अतिशीघ्र विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पक्षकारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शोषित वर्ग हैं, शोषित पक्षकार हैं, उनको वो जो अपना बचाव नहीं कर पाते हैं, उनका मजबूती से बचाव होने सक्षम न्याय मिले, इसके लिए यहाँ पर तीन पद सेंक्शन है, एक चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी चीफ और असिस्टेंट। इसके लिए हमने अधिवक्ता जय चौक से अब्दुल वकील खान और अचल बन्नातवाला को चयनित किया है और वे कार्य भी कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है, आज उसका हमने उद्घाटन किया है। हमें आशा है कि पक्षकारों को अब, क्योंकि कुछ बड़े केसेस होते हैं जिनमें ठीक से उनकी डिफेंस नहीं, बचाव नहीं हो पाता है, अब उनको अच्छे से बचाव मिल सकेगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।